So this is what Muslims need to understand कि just because आज आपकी गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जो हिंदुइज्म को प्रिजर्व करना चाहती है, इसका ये मतलब नहीं कि वो ऐसी गवर्नमेंट है जो इस्लाम के खिलाफ कुछ करना चाहती है। नो, अगर वो किसी के भी, ये ऐसी गवर्नमेंट है, मैं खुल के बोलती हूँ ऐसी गवर्नमेंट है, अगर वो किसी के खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे वो बस इसलिए करेंगे क्योंकि शायद उस इंसान या उस तंजीम की वजह से हिंदुइज्म पे खतरा है। मगर अगर उस तंजीम या उस इंसान की वजह से हिंदुइज्म पे कोई खतरा नहीं है तो उनका प्रोटेक्शन मोड इज ऑफ एंड दे आर द सेम। योगी आदित्यनाथ जी हर किसी की सीएम है, हिंदू हो या मुस्लिम। पीएम मोदी जी हर किसी के पीएम है, हिंदू हो या मुस्लिम। फॉर एग्जाम्पल लव जिहाद, वो तो इस्लाम में भी बैंड है। किसी को बेवकूफ बना के, किसी लड़की को बेवकूफ बना के ये बोलना कि मैं हिंदू हूँ, बाद में बताना कि मैं मुस्लिम हूँ, अब तुम्हें भी कन्वर्ट करना, ये हमारे यहाँ ये कौन सी परमिटेड चीज है इस्लाम में। तो जब वो लव जिहाद के खिलाफ अगर कोई रूल बना रहे, मुझे नहीं लगता मुस्लिम्स को इससे कोई नाराजगी होनी चाहिए, ऑब्जेक्शन होना चाहिए, बिकॉज ये तो इस्लाम में भी इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो अब जब बात आती है ट्रिपल तलाक की, जब हम बोलते हैं कि वी आर अ कंट्री दैट एम्पावर्स वुमेन, तो अब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने ट्रिपल तलाक का ऐलान किया। नाउ द पॉइंट इज कैन यू से दैट ये कोई हिंदुत्व का काम है, ये कोई टेररिज्म वाला काम है? अगर आप औरतों को अगर एम्पावर कर रहे हैं ट्रिपल तलाक हटा के, तो आप किस तरह से, हाउ कैन यू इक्वेट दिस विद हिंदुत्व टेररिज्म? तो ये एक चीज है जो मुसलमानों को समझनी चाहिए कि हिंदुइज्म और हिंदुत्विज्म को अलग रखना है और इस पे अच्छा यार, एक चीज मुझे मतलब आपकी बात, आपसे बात होती रहती है मुख्तलिफ शोज में, मेरे चैनल पे हो या बाकी जगहों पे मैं आपको देखता हूँ, आपका अपना चैनल भी है, लेकिन ये खतरे वाली बात आपने की और बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया कि हिंदू धर्म के लोग समझते हैं कि शायद मुसलमानों से हमें खतरा है। पाकिस्तान के अंदर 97% मुसलमान है और वो कहते हैं कि हमें शायद बेचारे 2% हिंदू हैं वहाँ पे। तो खैर हिंदुस्तान में मुसलमान गालिबन 20 या 22% है, बहुत ज्यादा माइनॉरिटी नहीं है वहाँ पर, कम से कम मेजोरिटी में मैं कहूँगा, क्योंकि 25 करोड़ एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, पाकिस्तान से बड़ी पॉपुलेशन वहाँ रहती है, तो माइनॉरिटी तो नहीं है बहरहाल। लेकिन खतरे वाली बात ये कि क्या वजह है कि हमारे यहाँ भी इस्लामाबाद के अंदर एक मंदिर क्या बनना है, 2 साल हो गए, लोगों की ईमानों को भी खतरा है, कोई कहता है इस्लाम को खतरा है, कोई, क्या ये ऐसी मोम की गुड़िया है ये मजाहिब की, मतलब लोगों को इतने खतरे महसूस होते हैं? जो लोग, देखो वही तो बात है, जो लोग इनसिक्योर है, सी वकर साहब, इवन इन अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल, ओके, हु इज द कल्प्रिट, द वन हु इज कांस्टेंटली गेटिंग इनसिक्योर या द वन हु इज लिविंग लाइफ नॉर्मली? हु इज द कल्प्रिट? अगर उनके बीच में कोई प्रॉब्लम्स होती है, यूजुअली वो काउंसलिंग में जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। साइकियाट्रिस्ट कौन से स्पाउस को पकड़ता है? वो जो बार-बार इनसिक्योर हो के चीजों को खराब करता है, हर बार रेजिस्टेंस दिखाता है, हर बार कॉन्फ्रंटेशन करता है हर चीज के लिए इनसिक्योर होके, या वो जो एक नॉर्मल जिंदगी चाहता है कि you know, एक हार्मनी, एक हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस चाहता है और खुशहाली में जीना चाहता है, और कुछ ऐसे रूल्स बनाता है घर में फॉलो करने के लिए जिससे दोनों खुश रहें, जिससे दोनों को कोई वो नहीं होना चाहिए, क्या बोलते हैं, नुकसान नहीं होना चाहिए। एतराज जब हम तब करने लगे सिर्फ अज्यूम करके कि ओ दिस मींस इट्स अ डेंजर टू आवर कम्युनिटी, दिस मींस इट्स अ डेंजर टू आवर रिलीजन, जब हम अज्यूम करके जब हम रिएक्ट करते हैं और उस वजह से अपने देश में हालात खराब करते हैं, राइट्स करते हैं, रोड्स को ब्लॉकिंग करते हैं, किसी दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ बोलने लगते हैं, सोशल मीडिया पे ट्वीट करते हैं, ब्लास्फेमियस चीजें करते हैं उनको हर्ट करने के लिए, या खुद ऐसी चीजें, दिस शुड ऑल स्टॉप। क्योंकि जो चीज सिर्फ अज्यूम करके रिएक्शन जो देना है वो एक तरह की बीमारी होती है, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। बिल्कुल, आपकी बात ये बिल्कुल सही है और मैं भी अक्सर यहाँ लोगों से कहता हूँ कि यार आप क्यों, अगर आपके दिल में है ना, वैसे भी कहते हैं कि हर इंसान के दिल में खुदा होता है, किसी के मतलब भगवान होता है, दोनों का मेरे ख्याल में एक तरीके से जो वर्शिप का तरीका शायद मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन जो एक डेस्टिनेशन है वो सबकी सेम मुझे लगती है। लेकिन इसके बावजूद भी ये सारी चीजें अनफॉर्चुनेटली, सबका रंग, खून का रंग लाल ही रखा है, जब उन्होंने किसी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं किया। यस, सिर्फ आप कह सकते हैं फेशियल फीचर्स का डिफरेंस है, क्योंकि जो ईस्ट में पैदा हुए, क्योंकि वहाँ सन ज्यादा स्ट्रांग होता है तो उनकी आंखें ऐसी होती हैं ताकि उनको तकलीफ ना हो सन से, और जो बहुत ही गर्मी वाले जोन में रहते हैं अफ्रीका में, उनका स्किन काला है क्योंकि वो सनबर्न से काला ही हो जाता है, वो जेनेटिकली ऐसा है। तो दैट्स द ओनली थिंग, मगर अंदर जो खून है उसमें तो कोई फर्क नहीं है। जो साफ माहौल में रहते हैं उनका स्किन सफेद होता है क्योंकि वो जो एनवायरमेंट होता है टेम्परेट का मौसम जैसा होता है, उसमें डर्ट एंड ग्राइम डज नॉट गेट इनटू योर स्किन एंड हेयर। तो बोलने का मतलब है कि वो एनवायरमेंट के हिसाब से, टोपोग्राफी के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से स्किन अलग होगा, लोगों के फीचर्स अलग होंगे, लेकिन कलर, खून का कलर तो सबका एक ही है, which means exactly. कि खुदा जो है वो हमारे अंदर बसता है, खून भी हमारे अंदर होता है। तो जब खून का रंग एक है तो खुदा भी तो एक ही है। आप किसी को हेट करना जस्ट बिकॉज, या इवन ये सोचना कि वो मुझे हेट करता है क्योंकि मैं उसकी कम्युनिटी का नहीं हूँ, ये सब बकवास जो बातें हैं ना। और इस वजह से फायदा कौन उठाता है? पॉलिटिशियंस फायदा उठाते हैं, स्पेशली द करप्ट पॉलिटिशियंस। और जैसे एक कंट्री चल रही है उसको चलने नहीं देते, बार बार बीच में पॉलिटिकल पॉलिसीज में बीच में दखल अंदाजी करना। एक पॉलिसी हमारे यहाँ बनती नहीं कि 10 लोग आ जाते उसको गिराने के लिए, ये सब बंद होना चाहिए। एंड वी मस्ट थिंक इन द ब्रॉड पर्सपेक्टिव। एक ट्रस्ट इशू नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन कि मोदी जी जानबूझ के ये कर रहे हैं या फलाना पॉलिटिशियन जानबूझ के। ये जो हमारे लीडर्स हैं वो मेजोरिटी में चुन के आए, हमें फेथ तो रखना चाहिए अपने लोगों पे जिन्होंने उनको वोट दिए। वी कांट जस्ट गो अराउंड अज्यूमिंग कि एवरीथिंग विल गो रॉन्ग। बिल्कुल ये गलत है। या ना एक चीज और है कि हम एक जेन्युइन क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त भी नहीं करते। बेशक मतलब हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, उसके अंदर कोई ऐसी चीजें हो सकती है या हमने उसके अंदर कुछ ऐसी इंटरप्रिटेशन की होती है कि दुनिया जब उसको मतलब वो करती है, पॉइंट आउट करती है, तो हमें गुस्सा आता है, हम कहते हैं भाई क्यों आपने ये ऐसा किया। एक होता है कि वैसे ही आपने किसी को गंदा करना, मैं कहूँगा अच्छा हिंदू रिलीजन के लोग ऐसा करते हैं, मतलब मैंने करना है बस, मैंने ये दिल में जिसे कहते हैं कि कहा हुआ है कि भाई मैंने इनको मतलब करना है, गंदा करना है या इनको बुरा भला कहना है, ये वाली चीज। इसी तरीके से किसी भी रिलीजन को हम क्रिटिसिज्म को भी, एक जनरल क्रिटिसिज्म को, एक तो होती है कि वैसे ही मतलब मैं कहूँ अच्छा जी फला अगर उसामा बिन लादन मुसलमान था तो सारे मुसलमान ऐसे हैं, स्टीरियोटाइपिंग, मतलब ये चीज। लेकिन अगर कोई मेरे अंदर कोई गलती है और मुझे कोई मतलब उसके ऊपर क्रिटिसाइज करता है कि यार आपने ये किया, तो मेरे ख्याल में मेरे अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि मैं कहूँ हाँ यार वाकई ये तो मैंने नहीं पॉइंट आउट किए, चीज नहीं की थी लेकिन किसी और ने कर दी, तो मुझे इसको सही करना है। हम ये चीज इससे भागते हैं। वजह क्या है कि हम यहाँ पे हो, यहाँ पे भी हमारे यहाँ मतलब बहुत सारे लोग, मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि एक मंदिर से ईमानों को और पता नहीं किस किस चीजों को खतरा होता है, इसी तरीके से वहां पे भी इस तरीके से लोग इतराज अगर उसके ऊपर किया जाए तो वो फिर कहते हैं नहीं जी आपने तो ये सबसे बड़ा गुनाह कर दिया कि अगर हमारे ऊपर कोई आपने तनकीद कर दी। आई डोंट नो व्हाट टू से, आई जस्ट फील के बेहतर यही रहेगा कि हम जो है अपना रिलीजन अपने पास रखें, अपने दिल में रखें, अपने घर में रखें। वी शुड नॉट ट्राई टू मेक इट अ पॉइंट टू यू नो जिससे पॉलिटिक्स चले देश की, या जिससे सोशल मीडिया, या जिससे टीवी डिवाइस पे टीआरपी। इट्स जस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन अस एंड गॉड यार। और किसी की मंदिर बना देने से मेरा और मेरे अल्लाह के बीच का रिश्ता कैसे खराब होगा, मुझे समझ नहीं आता। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, यू नो। एंड यस, देयर वाज वन मोर पॉइंट आई वांटेड टू से अबाउट दिस, बट आपका क्वेश्चन इतना लंबा चला गया कि मैं आंसर भूल गई। ठीक है, आगे पूछिए, मैं मुझे शायद याद आ जाएगा। मैंने कहा कि हम लोग एक जेन्युइन क्रिटिसिज्म को भी बर्दाश्त नहीं करते। अगर मेरे अंदर कोई गलती है तो फिर लोग ये मतलब अगर मुझे कोई बता दे तो मुझे बजाय इसके कि मैं उसको ठीक करूं, मैं कहता हूं नहीं अब याना ने या कर दिया एक्स वाई जेड, किसी ने भी कर दिया। सेल्फ रिट्रोस्पेक्शन जिसको बोलते हैं वो हर किसी में नहीं होता। मोस्टली इंसान ऐसे ही होते हैं दैट दे लाइक टू ब्लेम अदर्स फॉर द सिचुएशन दैट दे आर इन। अब ये चीज इट्स अ साइकोलॉजिकल इशू, इट्स एक्चुअली नॉट एन इशू। वही मैं कह रही हूँ आपको, इट इज नॉट एन इशू अबाउट रिलीजन, इट्स अ साइकोलॉजिकल इशू। आप सोचिए अबू लहाब की बीवी जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कचरा फेंकती थी, उनको बुरा भला कहती थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। ही जस्ट लेट हर बी। इनफैक्ट जब वो कचरा फेंकना बंद हो गया उनके रास्ते में, तो वो इंक्वायर करने लगे वो लेडी ठीक तो है कि नहीं, मैं गाँव में जाके देखूंगा वो ठीक है कि नहीं। ये थे हमारे जो हमारे हीरो हैं, ही वॉज लाइक दिस। तो ये कौन सा इस्लाम फॉलो कर रहे हैं जो ब्लास्फेमी के नाम पे कोर्ट में लोगों को शूट करते हैं। हाँ बिल्कुल, लोगों के घर जला देते हैं, दुकानें जला देते हैं, यू नो एसिड फेंकते हैं किसी पे, या दे इवन से ऐसे तकरीरें करते हैं कि इसका सर कलाम कर दिया जाए, इसने ऐसी बात की। हेट स्पीचेस, पेरिस में जाके पीछे से किसी को मार दिया। देखिए जो वो ये ऐसे लोगों को अल्लाह पे यकीन नहीं है। देखिए अगर किसी ने अल्लाह के प्यारे रसूल की इंसल्ट की, वो अल्लाह उसका बदला जरूर लेगा, खुद लेगा।